आज सभी नॉमिनेशन फॉर्म्स की जांच हुई है और स्क्रूटनी के बाद, समीक्षा के बाद, जांच के बाद हमारे टोटल कैंडिडेट्स जिन्होंने नामांकन दाखिल किया था वो 25 की संख्या थी। कुछ ने मल्टीपल सेट में दाखिल किया था तो 25 कैंडिडेट्स ने 38 सेट्स टोटल दाखिल किए थे और आज सभी सेट्स की अलग अलग समीक्षा की गई, सभी कैंडिडेट्स की, सभी सेटों की समीक्षा की गई और समीक्षा के बाद इन 25 कैंडिडेट्स में से 14 के नामांकन पत्र हमें अस्वीकृत करने पड़े क्योंकि उनमें कुछ कमियां थी और जो बाकी 11 कैंडिडेट्स हैं उनके नामांकन पत्र सही पाए गए और वो जो है वो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स कैटेगरी में आ गए हैं। शेष के नामांकन पत्र रिजेक्ट हो गए हैं और उनकी जो सूची है वो चस्पा भी कर दी गई। मैम, अफजाल अंसारी और नुसरत अंसारी ये भी फार्म समाजवादी पार्टी से भरे तो इसमें इनका भी खारिज हो गया है समाजवादी पार्टी से। नुसरत अंसारी, देखिए जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट की व्यवस्था है उस केस में जो मुख्य कैंडिडेट होते हैं यदि उनका पर्चा स्वीकृत हो जाता है तो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट का स्वतः ही निरस्त हो जाता है। तो इस स्थिति में भी चूंकि समाजवादी पार्टी के मुख्य कैंडिडेट जो थे अफजाल अंसारी उनका पर्चा स्वीकृत हुआ तो जो सब्स्टिट्यूट कैंडिडेट हैं उनका पर्चा स्वतः ही रिजेक्ट माना जाता है और ये हमने उनको अवगत करा दिया और उनको उनके साइन भी करा दिए नुसरत अंसारी जी के। और इस प्रकार से जो समाजवादी पार्टी के वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट हैं वो अफजाल अंसारी हैं। अब जब वापस लेंगे तो जो भी भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश होंगे उसके अनुसार कार्यवाही की जाएगी और आपको अवगत कराया जाएगा।